नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में लगी है इस्तीफों की झड़ी। विधायक धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। विधायक विनय शाक्य ने भी दिया है इस्तीफा। विधायक धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से ठीक पहले लगातार बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इस्तीफों की जो झड़ी है वो यहां पर देखने को मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद लगातार यहां पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में चिंता का विषय है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगातार जारी। तो 9 लोगों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव करीब हैं, ऐसे में लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जोर आजमाने लगी हैं। कहीं कुनबा बढ़ रहा है तो कहीं कुनबा खाली हो रहा है। खासकर कि प्रदेश सरकार बीजेपी के लिए यहां पर मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार इस्तीफों की झड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पीछे लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक इस्तीफे दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 9 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। विधायक धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है और विधायक विनय शाक्य ने भी दे दिया है इस्तीफा। तो यूपी बीजेपी के लिए चिंता का विषय और बड़ा झटका, क्योंकि लगातार चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से नेताओं के का इस्तीफा कहीं ना कहीं ये नुकसान साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए हम लोग करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने यहां पर 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। आपको बता दें इसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री और समाज सेवी भी शामिल हैं। बड़े नामों की बात करें तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को फारुखाबाद से टिकट मिला है। उन्नाव से कांग्रेस ने आशा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एनआरसी सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को लखनऊ मध्य से उम्मीदवार बनाया है और सहारनपुर से आशा वर्कर पूनम पांडे को टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस ऐतिहासिक बदलाव के साथ हम राज्य में एक नई राजनीति का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहली बार चुनाव लड़ रही हैं वो संघर्षशील और हिम्मती महिलाएं हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें पूरा सहयोग करेगी। यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और हमने आपको बताया कि किस किस को यहाँ पर टिकट दिया गया है। 50 महिलाएं हैं जिनको टिकट दिया गया है। नमस्कार साथियों, प्रियंका जी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। विलंब के लिए हम थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे। बगैर किसी देरी के मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं और अपनी बात आपको कहेंगी। आदरणीय प्रियंका जी नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से
कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आज जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है, आगे बढ़ा है। मैं इस सूची को जो 50 महिलाएं हैं, दो मिनट में मैं उनकी सूची पढ़ के आपको सुनाना भी चाहती हूँ। नंबर 18 नगीना में श्रीमती हेनरिटा राजीव सिंह, नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह, नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद, नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम, 46 किठोर में श्रीमती बबीता गुर्जर, 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी, 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक, 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल, 92 में श्रीमती मनोज दीक्षित, 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर, 98 शिखोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा, 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल, एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा, मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साखिया, करहल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी, बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा, बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह, बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती, बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन, जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर, कोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी, शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे, मोहम्मदी 144 में श्रीमती ऋतु सिंह, सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक, बांगरपाऊ 162 में श्रीमती आरती वाजपेयी, मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत, उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह, लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर, मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी, कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज, फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद, औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे, बिलहौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी, कालपी 220 में श्रीमती उमा कांति, औरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी, मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे, रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी, फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे, इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद, बारा 264 में श्रीमती मंजू संत, दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा, हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी, गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप, डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे, हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह, खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी, रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339, सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून, और महनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी सीएलपी लीडर हैं, लुईस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं, और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं।
और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी के का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में कुंभा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की, कि अपनी अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गईं, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई, और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहु हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा, सदफ जाफर ने NRCCA के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला, उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है, वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी, ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल है वो आप कर सकते। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, उसी तरह नेताओं के यहां पर सियासत भी नेताओं की चरम पर नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद और समाजवादी पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं मनोज पांडे के समाजवादी पार्टी को छोड़ने की खबर से सपा को झटका लग सकता है। साथ ही इस बात पर अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को तलब किया। वहीं बैठक खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने कोई भी बयान देने से मना कर दिया है। सभी दलों को जो चीजें चाहिए, अखिलेश यादव जी ने सबको संतुष्ट किया और सब लोग अखिलेश यादव जी की नीतियों से संतुष्ट हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं, और जल्द ही अखिलेश यादव जी द्वारा सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों की भी वो घोषणा कर देंगे। आपको से ही चुनाव के संबंध में ही प्रचार कैसे हो, किन मुद्दों पर हम ज्यादा फोकस करना है,
किन मुद्दों को हमें फोकस नहीं करना है, इन सारी चीजों पर चर्चाएं हुई। डिजिटल किस तरह आपकी पार्टी को कितनी सीटें देने की बात हुई है, सीट को लेकर हमने अपनी बात रख दिया है और ये डिमांड की अखिलेश यादव जी का विषय है कि वो कितनी सीटें हमें देंगे और जो भी देंगे हम उस पर संतुष्ट रहे। हमारे लगभग 10 सीटों की डिमांड थी और उसमें जो भी देंगे हम अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रहे। फर्स्ट और सेकंड फेज की लिस्ट बहुत जल्दी एक दो दिन में। अखिलेश यादव का आय से अधिक संपत्ति का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की हकीकत को सार्वजनिक किया है और कहा है कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कैमरा बड़ा, आप अपने कैमरे में इसको चाहे तो दिखा सकते हैं केस को। सीबीआई अखिलेश जी ने 3-4 सवाल बहुत गंभीर उठाए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जिसकी बदौलत बने और अंदर खाने क्या डील हुई 2008 में, उन सारी चीजों का मैं एक एक करके खुलासा करूंगा। जिस क्लोजर रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उसके दस्तावेज मैं आपको, चूंकि आप लोग विजुअल चाहें तो इसका ले सकते हैं। ये सीबीआई ने उस जो फोर्ज क्लोजर रिपोर्ट है उस पर सीबीआई ने स्वतः संज्ञान लेके 2009 में एफआईआर कर लगातार 14 वर्षों से मीडिया के माध्यम से और पूरे तंत्र में और देश और प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव इनके परिवार और मीडिया द्वारा गुमराह किया जा रहा है। उसका केस सीबीआई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और 15 तारीख को उसकी डेट लगी है, इसी 15 को। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि मुझे क्लोजर रिपोर्ट मिल गई है, तो क्लोजर रिपोर्ट 2019 तक सीबीआई ने केवल एक रिपोर्ट अब तक फाइल की है और उस रिपोर्ट में मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ये पैराग्राफ 26 है, विजुअल आप लोग ले लीजिए चाहे तो, ये विजुअल है उसका और मैं पढ़ देता हूं ये रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ ए फोरसेड इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रेगुलर केस अंडर सेक्शन 13(2) रीड विद 13(1)(e) ऑफ ईसी एक्ट 1988 अगेंस्ट श्री मुलायम सिंह यादव एंड सेक्शन 109 आईपीसी रीड विद 13(2) रीड विद 13(1)(e) ऑफ ईसी एक्ट 1988 अगेंस्ट श्री अखिलेश यादव अदर स्टेज वारंटेड टिल डेट अखिलेश जी का स्टेटस यही है। जिस रिपोर्ट का ये मुलायम सिंह जी ने, अब मैं शुरू से आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, प्रतीक यादव, डिंपल यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया। सीबीआई ने 26 अक्टूबर 2007 को अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सील कवर लिफाफे में दे दी। उसमें उन्होंने कहा प्राइमा फेसी केस मेड आउट है, रेगुलर केस रजिस्टर करने की इजाजत दीजिए, अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट स्टेट ऑफ यूपी और यूनियन ऑफ इंडिया को मैं नहीं देना चाहता, जो देश की सबसे प्राइम एजेंसी है उस पर फूकेंगे भी। सीबीआई ने यह, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग कैमरा बड़ा, आप अपने कैमरे में इसको चाहें तो दिखा सकते हैं केस को। सीबीआई ने सैफई कोठी का वैल्यूएशन मात्र 20,000 रुपए बताया है, इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी की कीमत मात्र 50,000 रुपए बताया है, 56,000 बताया है, अखिलेश यादव के गेस्ट हाउस की कीमत मात्र 32,000 रुपए इसमें बताई गई है। और जब ये वैल्यूएशन किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिपेंडेंट चार्टर अकाउंटेंट, इंडिपेंडेंट इंजीनियर, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आप हायर करोगे तब केस बनता था। और कीमत वर्तमान में कितनी होगी सर? अब इसकी कीमत तो आप जिस एमजी मार्ग रोड पे, महात्मा गांधी मार्ग पे जो 20 लाख रुपए किराया मिल रहा है उसका वैल्यूएशन सीबीआई ने मात्र 33 लाख रुपए किया इस रिपोर्ट में, और उस एमजी मार्ग पे राजभवन के सामने कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एक्सिस बैंक है, उसमें आप लोग जाके उसका विजुअल ले लीजिए, बहुत सारे विजुअल मैं भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसकी कीमत इन्होंने मात्र 33 लाख रुपए बताई है, 2004 में वो परचेज की गई।
उसका किराया गिरा से 20 लाख 20 लाख रुपए महीने का किराया है और बाकी वैल्यूएशन आप खुद उन वहाँ 20 लाख का एक पेड़ नहीं लगा है सफेद कोठी में 20,000 का जिसकी वैल्यू 20,000 रुपए बताई गई है 20,000 रुपए एक पेड़ की भी कीमत अधिकारी अधिकारी सब अंधे हैं क्या एकदम ये मैं चूंकि देखिए इंडिविजुअल पर्सन 16 साल से जितना जुल्म और अत्याचार इनका हो सकता था मेरे घर की पानी बिजली कटवाई गई 2006 में मेरे घर पर बुलडोजर भेजा गया हाईकोर्ट स्टे से बचा मेरा मकान हाँ तो जो इस तरीके के जुल्म और अत्याचार इन लोगों ने निजी तौर पर मुझ पर किए टॉर्चरिंग की मेरी रिकॉर्डिंग सुनवाई गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दल से लेकर आम मतदाता तक को भी इसका पालन करना होगा। साथ ही नियम तोड़ने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वहीं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही सरकारी संसाधनों का भी किसी तरह चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासनिक मशीनरी के साथ पुलिस भी चुनाव को शांतिपूर्ण पूर्वक कराए जाने के लिए सक्रिय हो गई है। प्रशासन ने जहां राजनेताओं के होर्डिंग्स हटवाए तो वहीं खुद पुलिस अधीक्षक ने काफी पुलिस बल और पीएसी के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। साथ ही चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस भी बेहद सख्त नजर आ रही है। वहीं सादतगंज क्षेत्र की तंग गलियों में यहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। हाँ बढ़िया चलिए अब खबर लखनऊ से है जहां पर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और 5 लड़कों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि बड़ी खेप इनसे बरामद की गई है। तो पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, नकली नोट छापने का काम ये 5 लड़के किया करते थे जिनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 81,550 रुपए के कि हमारे आसपास के मार्केट या लखनऊ के शहरों में कुछ लोगों को हाथ से फिक करेंसी लग रही थी, 1, 2, 3 ऐसे कोई मेजर नहीं था लेकिन 1-2 था। पब्लिक की सूचना के टिपऑफ में फिर हम लोगों ने अपना टीम को लगाया, उसमें लगातार काम चलती रही जिसमें थाना कलकत्ता की टीम, क्राइम ब्रांच, सर्वेलेंस टीम, जो एडिशनल डीसीपी सेंट्रल के वेस्ट के स्पेशल नेतृत्व में चल रही थी रंजीवनाथ सिन्हा के नेतृत्व में, ये लोग लगातार बने हुए थे। कल रात को जब सूचना मिली कि ऐसे कुछ अपराधी हैं जो करेंसी फिर छपाने के लिए निकले हैं, तत्काल टीम भेजी गई और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 5 लोगों के साथ पास से 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के डिनोमिनेशन के अलग अलग जाली नोटें मिली हैं। कुछ नोटें अभी भी जब उसके बाद इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ कड़ाई से की गई तो पता चला के और भी नोट बनाने की मशीन और आधे अधूरा बने हुए नोट भी हैं जिनको भी बाद में रिकवर कर लिया गया। इनके साथ प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बहुत सारे सामग्री, जो नोट्स अभी भी कटे नहीं है मतलब प्रिंट होकर फेस तैयार है, बस प्रॉपर शेप में काट के छोड़ना है, उनको पता चल गया कि वो लोग भी वो सब भी बरामद हो गए। पता चल रहा था ये लोग टीम के अलग अलग मेंबर अलग अलग काम करते थे, इसमें मुख्यतः जो है तो सलमान था जो इस पे करेंसीज को बनाते थे, एक जमीन है जिनके माध्यम से ये अलग अलग लोगों को
डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते थे, जिनके भी दो तीन लोग पकड़े गए हैं, एक दो लोग अभी बांसी चल रहे हैं, जिनको पकड़ना शेष है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें बताने वाली बात मेनली ये है कि इनके द्वारा ये टेक्नोलॉजी नो हाउ लिया गया कि कैसे इन करेंसी को बनाया जाता है, जिसमें जो अभी भी वांछित चल रहा है हमारा जमीन पता चल रहा है कि इतना हमें अभी तक पूछताछ में पता चला, पहले भी ये शायद नकली नोटों का काम में इन्वॉल्व था, ये बेल में छुटा हुआ था फिर फरार था, इसी के माध्यम से ये सलमान वगैरह इसकी टीम तैयार की गई थी, इसके द्वारा जो ये लोग नकली नोट छापने का काम सीख गए थे और शहर के अंदर ही इसको तैयार करके डिस्ट्रीब्यूट करवाने की व्यवस्था कर रहे थे। हो सकता है जिसको संभावित है, जिसको हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हो सकता है एक दो से ऐसे और बड़े हो कहीं और, जिसके ऊपर भी लगातार वॉच रखी हुई है। तीसरी बात है, आने वाले चुनाव को मद्देनजर एक इम्पोर्टेंट रिकवरी है, इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कैश फ्लो चुनाव के समय में होता है, विभिन्न जगह पर खर्चा होता है, उस समय में इनको खपाने की इनकी मेजर मंशा थी। इसे दो फायदे हो, तो एक इनको बहुत सारा पैसा मिल जाता, लाभ हो जाता, और दूसरा ये एक ऐसा क्राइम है जिससे देश की सार्वभौमता और अखंडता और तथा इसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक अवस्था है, उसको भी चोट पहुंचती है। तो ये बृहद लेवल का क्राइम है, पनप रहा था, इसको समय रहते पुलिस ने पकड़ लिया और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूअस है। इसके अलावा भी इन नोटों का जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन मिलता है, स्पेशल नास्टिक प्रेस होता है, वहाँ पे RBI के माध्यम से भेजा जाएगा, उसमें कुछ कुछ फीचर चेक किए जाएंगे, ऐसे अगर कुछ फीचर्स और संज्ञानी होते हैं उनके स्पेशल टीम द्वारा चेक करने के बाद, तो हो सकता है दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट बन जाए। मैं बोला हूँ कुछ 81,000 के आसपास की रिकवरी हुई है, कुछ चला है एग्जैक्टली जैसे मैं बताऊँ, एक दो नोट अलग अलग लोगों के पास होंगे, अलग अलग लोगों के छोड़ के बाहर भी हो सकते हैं, उनको ट्रेस कर पाना इस मोमेंट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो अपराधी और भी है, दो तीन फरार है, मुझे उम्मीद है उनके पास से भी हमें अच्छी खासी रिकवरी होने की संभावना है, इसके लिए टीम ऑलरेडी लगी हुई है। जैसे मैं बोला हूँ कि अभी तक ये लोग लखनऊ में ही प्रिंटिंग कर रहे थे, अपने एजेंट्स बनवा रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटेड मनी जरूरी नहीं है कि लखनऊ के अंदर ही सीमित रहे, ये लखनऊ के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है, मैं जैसे बोला था ये पनपते इस पूरे गिरोह को पर्दाफाश कर लिया गया, पकड़ लिया गया है, जिसके वजह से मेरे हिसाब से ये क्राइम समय रहते ही इसको रोक दिया गया है और बनप नहीं पाएगा। लेकिन हमेशा हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन की साइड और है, जब तक इनके जो एक दो और भी नाम हमारे सामने आए हैं उनको जब तक हम अरेस्ट करके फर्दर रिकवरी और इंट्रोगेशन नहीं कर लेते हैं, इनकी और कहां कहां जाल है वो अभी बता देना प्रीमेच्योर होगा, अस्मीचीन होगा। देखिए मैं जैसे बताया हूँ, चुनाव में जो हर किस्म की होती है, छोटे छोटे दुकानदार इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे प्रिंटिंग मशीन इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे प्रेस के लोग इन्वॉल्व होते, छोटे छोटे दुकानें इन्वॉल्व होते हैं, खाने के पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इन सभी में कैश फ्लो होता है, वहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की संभावना खूब कम है। अब गांव में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन संभव नहीं है, कोई बेचारा गया दो पैकेट बिस्कुट खरीदा एक परफ्यूम की दुकान से, अब वहां पर ऑनलाइन कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वहां पे स्मॉल डिनोमिनेशन के लोकल कैश इस्तेमाल करते हैं उस समय में, और उनकी बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है कि कौन सा नोट सही है कौन सा नोट गलत है। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। मार्केट या लखनऊ।